केरा मारा पूरा आपका कानपुर मंदना हाईवे आप चेक कर लीजिए। Hey guys, what's up? Welcome back to the vlog. इस vlog की शुरुआत रे guys, आप ये चेक करें मेरे पीछे कितनी प्यारी लोकेशन है। आप ये पुल देख रहे होंगे guys, हम लोग guys बिठूर के पुल पर है। मैं कहा यहाँ से vlog स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लोकेशन कितनी प्यारी लग रही है। सामने पूरा guys ये चक्कर पूरा ग्रीनरी एरिया है, उसके बगल में guys ये चक्कर पूरी रिवर है, आदि में से गंगा रिवर ही है guys। ये इसे vlog स्टार्ट करते हैं बिकॉज ऑफ लोकेशन बहुत प्यारी लग रही है, तो मैं एकदम से मैं रुक गया। और guys हम लोग आज जा रहे हैं कानपुर मंदना हाईवे, जो कि guys बहुत दिन से बना हुआ है, बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैंने कहा आज चलते देख के आते कैसा है कानपुर मंदना हाईवे, लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो मैंने कहा आज चलते आपको भी दिखाएंगे, मेरा फर्स्ट टाइम होगा। तो फिलहाल उस टाइम बिटूर में है, निकलते फटाफट में यहाँ से आगे और चलते हैं। बढ़िया आपको मस्त दिखाएंगे आज कानपुर मंदना हाईवे कैसा बना है, क्या है और कितना चौड़ा है, कितनी किलोमीटर का बना हुआ है, पूरा बताएंगे। कानपुर मंदना हाईवे बहुत लोग कह रहे देखा नहीं है, तो मैं अभी आज तक गया नहीं था, तो मेरा भी यार फर्स्ट टाइम होगा। तो बढ़िया मस्त निकलते हैं और आपको दिखाते हैं कानपुर मंदना हाईवे। बाकी आगे लोकेशन इतनी प्यारी लग रही है, आप ये चेक करें पूरा, बाकी कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम सन्नाटा है यहाँ पे, चलती फिरती रोड है, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, तो ठीक ठाक है। व्लॉग करने के लिए अच्छा है यार, कितना बढ़िया लग रहा है, आराम से खड़ो के व्लॉग कर रहे हैं। और कितना आप नीचे के देखिए, आपको दिखाते कितना बढ़िया लग रहा है, तब ये चक्कर नीचे कितना बढ़िया लग रहा है, पूरा पानी पानी। और सामने पूरा हमारा ये देखिए सनसेट होने वाला है, ये हमारा सन कितना प्यारा लग रहा है, और सामने पूरा ग्रीनरी एरिया, वाओ कितनी प्यारी लोकेशन है यार। मेरा मन ही नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा बस यहीं खड़ो के व्लॉग करते रहे। आपका ये जो पुल है पूरा सन्नाटा, कोई नहीं है। ये देखिए बीच रोड में खड़े के ब्लॉक कर रहे हैं, कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा। इधर कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा, सिर्फ हम हैं। आप ये चेक करें, फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग कानपुर मंदना हाईवे पर। ये चेक करें गाइस, ये वो नया हाईवे जो बना हुआ है गाइस, ये हमारा कानपुर मंदना नया हाईवे जो बना है। और गाइस ये हमारा कानपुर मंदना का नया पुल गाइस। यार चलिए फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कानपुर मंदना हाईवे पे, जो कि नया बन रहा है। आप ये चेक करें गाइस, ये वो हाईवे है और इसकी जो रोड बोल रहे गाइस 13 मीटर चौड़ी है। जो ये पुल का ये वाला एरिया है, जिसके लोग वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, देखा होगा, मैंने भी आपको पूरा दिखा दिया। और भी एक साइड की रोड चालू है, एक साइड का बन रहा है अभी, जाने का दरका चालू है, आने वाले का जो रोड है गाइस अभी वो बंद है, उस पर काम चल रहा है। और वो बोल रहे हैं कि फरवरी मार्च तक की बन जाएगा। गाइस यार चलिए फाइनली मैंने पता किया, जो गाइस ये पूरा हमारा रोड जा रहा है, जो नया हाईवे बना है, ये गाइस हमारा जा रहा है पूरा अलीगढ़ तक का। तो आपको अलीगढ़ जाना हो सीधा भी रोड पकड़ लीजिए, कह रहा कहीं नहीं मुड़ना, कहीं नहीं जाना, सीधा डायरेक्ट आप लोग ये रोड पकड़ेंगे, सीधा अलीगढ़ पहुंच जाएंगे। और जो उधर वाला रोड बना है वो कह रहा है 1-1.5 महीना लगेगा, वो भी शायद मार्च में या फरवरी एंड तक कह रहे स्टार्ट कर देंगे। और यार इतना बढ़िया लग रहा है, ये चेक कर रहे हैं, इससे हम लोग कानपुर मंदना हाईवे पर है और आपको दिखाना था, तो मैंने कहा आज हम भी चलते हैं, टाइम निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप ये देख लीजिए पूरा, ये हमारा कानपुर मंदना का नया हाईवे, एक साइड का रूट चालू हो चुका है, दूसरा साइड का हमारा रूट बन रहा है, आप ये चेक कर पा रहे हैं। बताया मैंने को 13 मीटर फीट ये चौड़ी रोड है और सीधा गाइस आपका अलीगढ़ तक गई है। तो इन्होंने मैंने किलोमीटर पूछा, तो किलोमीटर इन लोगों को भी आइडिया नहीं है, जो यहाँ के वर्कर है वो कह रहे सर आप इंजीनियर पता करिएगा, ऐसे भी इंजीनियर यहाँ पे कोई है नहीं। तो मैंने आपको ये दिखा दिया कैसा पूरा क्या है, बस आपको ये डायरेक्ट अलीगढ़ जाना, सीधा डायरेक्ट अलीगढ़ जाएगा और ये उधर वाला रोड हमारा सीधा महाराणा प्रताप आईटी तक का पहुंच जाएगा, पूरा कानपुर सिटी में पहुंच जाएगा। और गाइस आपको ये है पूरा कानपुर मंदना हाईवे नया, कितना बढ़िया लग रहा है, एक बार चेक कर लीजिए आप, सन्नाटा हुआ कितना जब चालू जाएगा। और गाइस पता है सबसे बड़ी बात क्या है, जो गाइस ये वर्कर काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं यहाँ पर कि बिना उद्घाटन के ही पुल चालू कर दिया, बिकॉज ऑफ नीचे जाम लग रहा था मंदना में पुल के नीचे, तो मजबूरी में इन लोगों को पुल चालू करना पड़ गया। बताइए अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ है इस पूरे रोड का और ये चालू भी कर दिया, पहली बार ऐसा हो रहा है। तो अभी ये वापस से पूरा दोनों साइड का बन जाएगा, पूरा उद्घाटन भी होगा इसका और सारे नित्य नहीं वीआईपीस वगैरह आएंगे, पूरा उद्घाटन करेंगे अच्छे से, तब फाइनली एक बार वापस से पूरा एक साथ ये वाला भी और उधर वाला दोनों रूट चालू हो जाएंगे। तो ये चीज मैंने आपको बता दी, इन्फॉर्मेशन पूरी दे दी है। तो हमारा आप जैसा आपको दिखाया लास्ट टाइम देख लीजिए, ये हमारा कानपुर मंदना हाईवे कितना सुंदर लग रहा है। तो गाइज ये NH-34 है और गाइज मैंने यहाँ से चेक किया, यहाँ से अलीगढ़ दिखा रहा है 285 किलोमीटर, जैसा मैंने आपको दिखा दी गाइज, ये था हमारा पूरा कानपुर मंदना हाईवे, आप देख लीजिए, मैंने कोशिश बाकी रखी नहीं है। और गाइज वहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम जब हो जाएगा तो कह रहे हैं 1 महीने बाद वो भी स्टार्ट कर देंगे। फाइनली यहाँ ठंड बहुत हो रही है, पूरा खुला है ना, ये चेक करें पीछे भाई, हालत खराब हो गई, बट मैंने आपसे कहा था दिखाना है आपको, तो आपके लिए इतने दूर तक आए हैं। इसी बात पे गाइज वीडियो को प्लीज यार लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए प्लीज यार, मैं इतना मेहनत करता हूँ, थोड़ा सा यार साथ दिया करिए यार, आप लोग साथ देंगे ना तो मैं और अच्छे से और बढ़िया कर पाऊंगा। व्यूज भी कम आते हैं, लोग लाइक भी बहुत कम करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो प्लीज यार सब करा करें कि मैं आपको जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकूंगा, जितना अच्छा कॉन्टेंट हो सकता है सब दूंगा। गाइस बताइए कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, बढ़िया लगा जैसा मैंने आपको दिखाया कानपुर मंदना हाईवे, आई थिंक आपको मजा आएगा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं गाइस ये पूरा हाईवे है, ओके आपको दिखाते हैं, अब ये चेक कर लीजिए, पूरा मैंने आपको हाईवे दिखाया, कोई चीज बाकी रखी नहीं है।
और आप पीछे देखिए इतना ट्रैफिक चालू हो चुका है यहाँ पर, एक साइड का रास्ता खोल दिया है और एक साइड का बंद है। बाकी यार बहुत ठंड हो गई, मेरा चेहरा देखिए एकदम लाल पड़ गया, हालत खराब हो गई है। फिलहाल चलते हैं, निकलते हैं आज। यार चलिए आपको दिखाते हैं, जो पुल का एक साइड ऑन कर दिया है, पुल की एक तरफ का, और दूसरी तरफ काम चालू है। तो गाइस ये चल कंस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे, आपको आज आपको दिखाते हैं पुल बनता कैसे है। तो देखिए जो पुल के पीछे डिवाइडेशन होता है उसका ऐसा वाला एरिया होता है, तो यहाँ पूरा काम चल रहा है, ये देखिए पूरा। तो ये रास्ता रोक दिया गया और यहाँ पे उधर वाला चालू हो चुका है और ये वाला पुल हमारा काम चल रहा है। और देखिए डिवाइडेशन कैसे होता है, क्या क्या पार्ट्स लगाते हैं यहाँ पे, तब हमारा पुल रेडी होता है। तो आपको दिखाया मैंने, फिलहाल चलते हैं हम लोग यहाँ से आगे। तो आपको जैसे बताया ये रास्ता बंद पड़ा है अभी, यहाँ पे चल रहा है काम। सामने तरफ देखिए रोड रेडी हो चुकी है, उधर तरफ भी बन चुका है, बस इधर वाला काम चल रहा है। यहाँ पे काम चलता रहेगा, हम लोग चलते हैं यहाँ से आगे। फिलहाल निकलते हैं, मैंने आपको पूरा दिखा दिया, कोशिश बाकी रखी नहीं है। फिलहाल जब पुल चालू हो जाएगा तो भी आपको दिखाएंगे। यार चलिए मैंने आपको दिखाया पूरा, कोशिश बाकी रखी नहीं है, मैंने पूरा कवर कर लिया और आई थिंक आप लोगों को मजा आएगा। बाकी ये चेक कर सकते हैं हम लोग कहाँ पर टहल रहे हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे अभी ये वाला रास्ता बंद कर रखा है। मैंने आपको बताया ना सामने काम चल रहा था, तो इसलिए भी ये वाला रास्ता बंद है, तो इसलिए हम यहाँ पे आराम से टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आराम खुल के व्लॉग करिए, बीच रोड में चलिए, नो टेंशन। ये चक्कर में बीच हाईवे पे चल रहा हूँ क्योंकि ये रास्ता पूरा बंद है। बाकी गाइस मैंने आपको पूरा दिखाया था, आपको मजा आएगा। और बाकी जब नेक्स्ट टाइम सोच रहा हूँ मैं, जब ये पूरा चालू होगा वापस से दोनों साइड का, तब आपको दिखाएंगे। और अगर हो सका उद्घाटन अगर हुआ तो, नहीं वीआईपीस लोग आते हैं और भी सब होते हैं और थोड़ा प्रोग्राम वगैरह होता है, तो हो सका अगर पता चलेगा तो वो भी आपको दिखाएंगे जैसा भी है। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से, यार ठंड बहुत ज्यादा लग रही है, एक कप चाय पियेंगे। बाकी जो फ्रेंड अपना हर्ष, आई थिंक उसका फोन भी आया, तो अगर वो भी शायद इधर ही कहीं पास में है, मिलेगा तो उससे मिल लेंगे। फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। यार चलिए टाइम हो चुका है यहाँ से निकलने का, फटाफट निकलते हैं यहाँ से भाई, काफी लेट हो गया हम लोग को। बाकी मैंने आपको पूरा दिखाया, कोई चीज बाकी रखी नहीं है, अब निकलते हैं बढ़िया मस्त, चलते हैं कब चाय पीते भाई, बहुत ठंड हो रही है, पूरा सन्नाटा। ये चक्कर का इसके हालत होगा यहाँ पे। तो गाइस यार चलिए हम पहुंच चुके हैं हर्ष के ऑफिस के पास में, तो मैं यहाँ से निकला था, रास्ते में हर्ष का ऑफिस पड़ा, तो हर्ष का फोन भी आ चुका था, कह रहा भाई आना मिलते जाना। हर्ष गया था व्लॉग बनाने के लिए रामलला मंदिर, तो उससे पूछेंगे कैसा मंदिर था, क्या था, कैसी वीडियो बनाया उसने, पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और आपको बताएंगे कि कैसा मंदिर है, और मैं भी ट्राई करूंगा जाने का। फिलहाल फोन करते हैं हर्ष को, बाहर बुलाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे गाइस। चलिए हम लोग आ चुके हैं, साथ मिल चुके हैं हमारे हर्ष, वो लोग साथ में चाय एंजॉय कर रहे हैं शाम की। और हर्ष हमारे गए थे रामलला मंदिर, तो बताइए कुछ कैसा लगा आपको भाई? भाई बहुत मजा आया है, आप मेरे चैनल पे हर्ष गुप्ता व्लॉग्स नाम का मेरा चैनल है, उसमें आप जाके देखना, कल मैं व्लॉग डालूंगा भाई, कल ही व्लॉग डालेगा, तो आप लोग जाके देखिएगा। और रामलला मंदिर के बारे में पूरा बताया इसने, कैसा क्या है हम भी देखेंगे, काफी तक कवर किया, तो क्या क्या कवर किया वो आपको कल ही पता चलेगा, कल बढ़िया व्लॉग आने वाला है। लाल मस्त चाय पीते हैं, मिलता है आपको थोड़ी देर में गाइस। यार चलिए फाइनली हमने चाय वाय पी लिए, हर्ष चला गया वापस अपने ऑफिस में, हम निकले डायरेक्ट यहाँ घर की ओर। और गाइस यार मम्मी ने दो तीन सामान मंगाए थे यार, तो जेके टाइम पहले जो हम लोग गए थे अभी राम जानकी उत्सव में, दो तीन मम्मी ने छोटी छोटी टोकरी मंगाई है, मतलब नहीं बास्केट सब्जी रखने के लिए। तो चलते हैं देखते हैं फटाफट, अगर मेरे को दुकान दी जाएगी तो चल के ले लेंगे, मुझे लेट भी हो रहा है, बट मम्मी ने मंगाया है तो अगर देखते हैं यार, लेट काफी हो रहा है, बट फटाफट चलते हैं, पहुंचते हैं, अगर सामान मिलता है तो ले लेंगे। लगे ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, हालत खराब है गाइस, फटाफट पहुंचते हैं अंदर, आपको मिलते हैं जेके टेम्पल के राम जानकी महोत्सव में। यार चलिए फाइनली चलते हैं लोग अंदर, पहुंच चुके हैं राम जानकी महोत्सव, और चल के सामान लेना जो थोड़ा बहुत वो ले लेते हैं, ज्यादा सामान नहीं है, मम्मी ने खाली वो मंगाई है सब्जी रखने के लिए जो टोकरी होती है, तो वो मंगाई है, चल के वो लेते हैं फटाफट, ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बट मम्मी ने बोला है तो ले आते चल के, दोबारा सिवाने आने का मौका मिल गया, ये भी तो है, चलते भाई। ये चेक करिए, लास्ट टाइम ये जायंट व्हील चालू नहीं था, बट आज चालू हो चुका है फाइनली, आपको दिखा दिया। चलते हैं वो सामान लेना, वो लेते हैं पहले, बाकी आज भीड़ हो रही काफी लोग आए, ये चेक करें। गाइस यार चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं हम शॉप पे, हमको क्या लेना था, तो गाइस ये वाली बास्केट लिए हमने, दो मम्मी ने मंगाई थी, तो ये कटोरी एक ये हो गई, और एक रेड कलर के लिए दो ये ले लिए, और हमको लेना है घी वाली बड़ी वाली, एक सब्जी भी लेने के लिए, तो एक मस्त ये ले लेंगे, तो अपना ये भी हो जाएगा, दो चीज लेनी बस, ये और ये वाली, और एक ये रेड वाली, बस ये दो सामान लेना, फटाफट लेते हैं बिलिंग कराते हैं फटाफट, आपसे बिल कराते फिर मिलेंगे, और निकलते हैं, लेट बहुत हो रहा है, बस यही सामान लेते हैं, सिबिल कराते हैं फिर आपसे बात करते हैं। गाइस यार चलिए फाइनली हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, सामान मैंने ले लिया, जो टोकरी लेनी थी घर की सब्जी के लिए, तो गाइस ये तीन टोकरी ली है मैंने, चलते फटाफट, मम्मी ने यही मंगाया था। बाकी मैंने आपको पूरा महोत्सव दिखाई रखा है कैसा भी है, आप लोग आइए घूमिए मजे करिए, फिलहाल मैं निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है भाई, बहुत ठंड है यहाँ, तो ये बाहर आ चुके हैं, फटाफट चलते हैं डायरेक्ट निकलते हैं यहाँ से, आप घर में मिलेंगे, हम अपने दिखाते हैं जो टोकरी खरीदी है, पता इनको पसंद आएगी नहीं आएगी, फिलहाल बोली तो उन्होंने यही थी आज इनको पसंद आनी चाहिए, लिए तो लिए, फिलहाल निकलते हैं डायरेक्ट घर पहुंचते हैं और दिखाते हैं मम्मी को टोकरी कैसी लगेगी। यार चलिए मैं घर पर आ गया था, मैंने खाना वाना खा लिया, चेंज कर लिया, और गाइस ये टोकरी मम्मी दिखाते हैं, मम्मी पसंद आई कैसी लगी टोकरी, सही लगी, चलो मम्मी को पसंद आई, मम्मी को दिखा दी, मम्मी काम ओके। सो गाइस यार अब चलते ऊपर, एडिटिंग करेंगे, चल के सोएंगे,
और कल मेरे को शायद लखनऊ जाना है, तो जैसा होगा बताएंगे आप। चलते गाइस, मिलेंगे आप लोग कल। बाकी जैसे बताया लखनऊ जाते हैं तो क्या रीजन है वो आपको बताएंगे गाइस कल ही। तो ठीक गाइस, व्लॉग को आज मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको आज व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा वीडियो करिएगा लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। क्लियर, बाय बाय गाइस।